हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टी वाई टी एडवाइस। और भाई पबजी में आ गया है सीज़न 11 का अपडेट। और अभी जो हमारे भाई लोग हैं सब अपने अपने रैंक पुश करने में बिजी है। तो अभी फ़िलहाल जो रैंक पुश करने का टेक्निक है, रैंक पुश करने के लिए भाई अभी तो फ़ोन का मतलब ग्राफिक्स अच्छा होना चाहिए, पबजी खेलने का फ्रेम रेट अच्छा होना चाहिए, तब जा कर के अपना रैंक पुश कर सकते हो, तब जाके कुछ किल्स वगैरह ले सकते हो। तो अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ बोल करके, शायद मेरे कुछ सब्सक्राइबर भाई सोच रहे हैं कि भाई तन्मय अभी तो तू बंगाली में वीडियोस बनाता था, अभी हिंदी में क्यों आ गया। तो उन लोगों के लिए मैं थोड़ा मैसेज देना चाहता हूँ, और उन लोगों के लिए नहीं, मेरे सभी सब्सक्राइबर भाई के लिए और सभी जो नए वॉचर्स हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, सबके लिए मेरा एक मैसेज है, जो है कि मैं अभी हफ्ते में 3 दिन भाई वीडियोस लाऊंगा, वो हिंदी में, और 3 दिन भाई बंगाली में लाऊंगा, और वो सभी प्लेलिस्ट में होगा। तो भाई जो जो मेरे सब्सक्राइबर हो वही भाई सब प्लेलिस्ट में जाओ, जा करके चेक कर लो, वहाँ पे वीडियोस वगैरह होगा, तो वहाँ से तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। तो भाई आज का जो बात है, आज का जो टॉपिक है, वो है कि कैसे हम लोग जो है अपना पबजी का फ्रेम रेट बढ़ा सकते हैं, गेम प्ले अच्छा कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए भाई एक ऐप्स, जो कि प्ले स्टोर से आप ले सकते हो, या फिर मैं लिंक दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भाई आप लोग वहाँ से भाई आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी जो बात है, शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि वो ऐप्स क्या है। तो इससे पहले हम लोग देख लेंगे कि वो ऐप्स अगर चलाना है तो कैसे चलाना है, ताकि हमारा जो सीपीयू है उसमें कोई प्रेशर ना आए, हमारा फ़ोन जो है स्मूथ चले और पबजी भी जो है ठीक ठाक चल जाए, ताकि हम लोग अपना जो रैंक है वो पुश कर पाए, ठीक है। तो चलो भाई वीडियो को शुरू करते हैं, काफ़ी देर हो चुका है, लंबा बात हो चुका है। तो भाई ऐप्स ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको वर्जन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग ग्लोबल वर्जन यूज़ करते हैं, तो आप ग्लोबल सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको रेजोल्यूशन जो है आपके हाई एचडी नहीं करना है, एचडी के ऊपर वाला करना है, और ग्राफिक्स को आपको बैलेंस में रखना है, ताकि ज़्यादा प्रेशान ना पड़े सीपीयू के अंदर। और फ्रेम रेट को रखना है 60 FPS में, एंटी अलाइज़म को 4x में करना है। स्टाइल को तो आप भाई किसी तरह रख सकते हो, मैं क्लासिक में रखा हुआ हूँ। और जो रेजोल्यूशन है, जो क्वालिटी है मतलब स्ट्रक्चर का, उसको आप रखिए मतलब हाई में। और उसके बाद शेडो को आपको रखना है मीडियम में, और शेडो डिस्ट्रक्शन को भी आपको हाई में रखना है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो जो है वो सब डिफ़ॉल्ट में रखना है, ताकि हमारा जो पबजी है वो स्मूथ चले, और हमारा जो मोबाइल का सीपीयू है उसमें लोड भी कम लगे। तो चलो गेम को स्टार्ट करके देखते हैं कि अभी हुआ या नहीं। गेम को ओपन, उसके बाद सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जा कर के हम लोग देखेंगे ग्राफिक्स चेंज हुआ है या नहीं। फिर देखेंगे कि हाँ ग्राफिक्स चेंज हो चुका है, बैलेंस में हमें एक्सट्रीम मिल गया है, लेकिन एचडी अभी अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग जो ऐप्स है वो तो इसमें चला दिया है, लेकिन हम जो सेटिंग्स किए हैं उससे क्या होगा, हमारे फ़ोन का जो सीपीयू है वो बरकरार रहेगा, और पबजी जो है वो स्मूथ चलेगा भाई। ये एकदम मतलब अगर स्मूथ नहीं चला, अगर आपका फ़ोन में कोई गड़बड़ हुआ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं खुद पर्सनली इसको ट्राई किया हूँ, बहुत दिन से मैं खेल रहा हूँ और बहुत अच्छा ये चलता है, ठीक है। तो भाई चलो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, थोड़ा अभी गेम प्ले देखते हैं। और भाई जो जो चैनल को अभी नए आए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अच्छा लगे तो वीडियो, और भाई बेल आइकन प्रेस करते जाना, ताकि मैं नए नए वीडियोस लाता रहूँ और आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस हमेशा सबसे पहले मिलता रहे। तो वीडियोस इन्जॉय करो और मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।